हेलो किड्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ सेशन। तो कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? वी आर डूइंग चैप्टर 6। द टाइटल इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। सो इन द फर्स्ट सेशन यू गॉट अ आइडिया ऑफ व्हाट आर स्क्वायर्स, है या नहीं है। और मैंने हल्का ये भी बताया था कि स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। सो नाउ यू हैव अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ अबाउट स्क्वायर्स। So today, what are we going to learn? Today we are going to discuss about properties of square numbers. So do you know there are properties of square numbers? See, in maths, जैसा अभी तक हमने 5 chapters में क्या देखा था कि always there is not a single method by which we can solve any question. There are different methods. Main होता है आप किस मेथड में कंफर्टेबल हैं एंड विच मेथड विल सेव योर टाइम एज वेल एज यू कैन अवॉइड सिली मिस्टेक्स। तो इस टाइप से मैथ्स में देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स आल्सो, वो एक हम छोटे से हिंट से वी कैन मूव फर्दर। अगर ये नहीं है कि एवरी टाइम वी हैव टू रीड आउट द टेबल या वी हैव टू डू द डिविजन या मल्टीप्लीकेशन, एक थोड़ा सा हम एक छोटे छोटे हिंट से हम एक अपने कैलकुलेशन का वी कैन फाइंड आउट द शॉर्टकट। So today we are going to talk about these properties and these properties will help you to find out some shortcuts in the calculation. So ye shortcuts ye sab kya hain? So aap square number ka sabse pehle ye dekhen ki jaise these are the numbers, yahan pe in this list you can find number starting from 1 up till 20. So look here. So, yeah, when you will start doing this exercise, देखेंगे अभी आपको ये बड़ा difficult लग रहा होगा, लेकिन slowly slowly these values will come to your tips. कैसे? कि एकदम अगर आपका जैसे you are taking 3 number, तो 3 number का square will be 9, है या नहीं है? So, अभी like if someone is asking you about the square, So, अभी क्या है, अप टिल 10 हमें टेबल्स बहुत इजीली आती हैं एंड आई होप सो आपको आती हैं। अगर नहीं आती हैं प्लीज डू रिमेम्बर, लेकिन जैसे जैसे वी मूव आफ्टर 10 वी फाइंड अ बिट डिफिकल्ट। लेकिन जब आप यू विल डू सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस, आप देखेंगे एकदम आपके मुंह पे ये आंसर्स आएंगे, जैसे 13 × 13 169, 14 × 14 196। So, ये नंबर इजली यू कैन से। नाउ यू विल से व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट द स्क्वायर्स, व्हाट इज द पर्पस कि हमें ये टिप्स पर आ जानी चाहिए। तो जैसा ये अगर फर्स्ट सेशन का याद है तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर्स से रिलेटेड स्क्वायर रूट्स है। तो ये व्हेन आई विल टेक स्क्वायर रूट्स इन डिटेल तब आई विल रिलेट दिस अगेन, क्योंकि हल्का सा भी आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू हिंट कि अगर हम ये कहें कि फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 49, सो आपको क्योंकि याद है कि 7 × 7 = 49 होता है, तो यू विल फाइंड इमीडिएटली यू कैन से द 7 उल्टा हो जाएगा। तो अभी जो हम स्क्वायर्स कर रहे हैं स्क्वायर रूट में, स्क्वायर्स में क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द नंबर वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर। स्क्वायर रूट में जहां जो वैल्यू होगी यू हैव टू फाइंड आउट दिस नंबर। सो ये एक लिस्ट है। तो और कोशिश ये करें कि ऐसे रटने से काम नहीं होगा, बट व्हेन यू आर डूइंग जस्ट ट्राई टू पुट डाउन दीज फिगर्स। कोशिश करें एक बार, आप कोशिश करेंगे पक्का आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। एंड अगर आपने इतना आपके टिप्स पर आ गए, ये समझ लीजिए आपका ये चैप्टर, यू आर परफेक्ट डूइंग दिस चैप्टर। नाउ कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, हाउ डू वी नो? वन मोर थिंग, अब जो ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो इसमें एक चीज आप ये भी देखें, जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनकी जो वंस प्लेस होती है वहां पे क्या होता है, इधर 0, 1, 4, 9, 6, 5, 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर हम ऐसे करें, तो यही आप देखेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड 3, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड 1, यू आर 1 तो मिलेगा सॉरी, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड 2, है या नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड। तो इसमें आप देखें तो हमें अगर हमारे नंबर्स एंड हो रहे हैं, या तो हम कहें हमारे नंबर्स एंड हो रहे हैं या नंबर्स का वंस प्लेस, वी कैन से इन एनी वे। सो अगर उसमें 0, 1, 4, 6, 5, 9 ये आ रहा है, दिस मीन्स वी कैन से
द नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार यहां लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था, के जीरो देन वन, देन हमने क्या और देखे थे, फोर फाइव सिक्स नाइन। अगर इनसे एंड हो रहे हैं तो डेफिनेटली दीज नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो जैसे ये क्वेश्चन है 1057, वन प्लेसमेंट 7, दिस मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वन प्लेस पे यू आर गेटिंग 3, कैन वी से दिस टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर? नो। 8, इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर? नो। 2, नहीं है ना। 9, यस दिस कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। वी आर एज्यूमिंग 1, दिस कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि दीज नंबर्स आर एंडिंग इन 9 विद 9 और 1। सो कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स? हाउ डू वी नो? तो यस वी कैन से वेदर दीज नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, बिकॉज बाय लुकिंग एट द वंस डिजिट वी विल कम टू नो वेदर दे कम इन द कैटेगरी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। सो समझ में आ गया ना, ये वाले नंबर्स आप सर्च करेंगे कहां पर, कहां पर? वंस प्लेस पर। या नंबर जो आप पढ़ते हैं तो यू रीड फ्रॉम, यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड यू मूव टूवर्ड्स राइट। तो यहां पे जो नंबर है इसको यू आर गोइंग टू लुक एट टू फाइंड आउट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द नंबर। नाउ अब आपके साथ जैसे मैंने आपको अभी 20 तक दिया था, उसके आगे थोड़े से और आपके नंबर्स हैं और उन नंबर्स का स्क्वायर इज ऑल्सो देयर। सो धीरे धीरे देखें जैसे बढ़ते जा रहे, अगेन हम देख रहे हैं कि हम क्या स्क्वायर में 0, 1, 4, 9, 6, 5, और आप देखेंगे हर जगह यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी 7, 3, 2, एनी ऑफ द नंबर है या नहीं है। सो इसलिए, और जीरो का देखें आप 30। अब ये जीरो का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एजम्पशन हम करते हैं, डेट आई विल टेल यू अ लिटिल बिट लेटर ऑन, लेकिन आप ये देखें तो 30 into 30, अगर आप एक रफ हम ऐसे करें 30 into 30 कितना हो गया, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई करो, 00, 30, 33 is 9 आ गया ना, 900। सो दीज आर द टेबल ऑफ नंबर्स एंड द स्क्वायर्स। नाउ लिस्ट ऑफ स्क्वायर नंबर्स एंड विद डिजिट 1। जो आपके नंबर्स दे व्हेन दे एंड विद 1, अभी हम इस पर फोकस कर रहे हैं। तो इफ अ नंबर हैज 1 या 9 इन द यूनिट स्पेस, देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। ये देखा आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं उसके वंस प्लेस पे इधर 1 हो या 9 हो, तो जो हमें उसका स्क्वायर मिलेगा उसके एंड में वी आर गोइंग टू गेट 1। सपोज आई एम टेकिंग 19, तो 19 into 19, 9 9s are 81, 9 1s are 9 17 19 1 6 361। Why we are saying के जो नंबर के एंड में 1 या 9 हो, क्योंकि 9 9 को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 81, तो 1 मिला 81, तो 1 इज एट वंस प्लेस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वी ऑलवेज गेट 1। सो ये अब आपको हिंट मिल गया। तो विच ऑफ दीस जो आपके स्क्वायर नंबर दे रखे हैं वुड एंड विद डिजिट 1, कौन से स्क्वायर के जो अगर हम इनको स्क्वायर करेंगे किसमें वी आर गोइंग टू गेट 1? तो यहां पे 3 है, ये नहीं होगा, 7 नहीं, 2 नहीं, 1 यस। तो अगर हम 161 का होल स्क्वायर करेंगे वी विल गेट 1 एट वंस प्लेस, एंड द अदर नंबर इज 109। देखें तो अगर आपको ये एक आपने कॉन्सेप्ट याद कर लिया, तो इज देयर एनी नेसेसिटी डेट यू डू द होल मल्टीप्लीकेशन? लुकिंग एट इट इमीडिएटली यू कैन टेल कि ये नंबर का स्क्वायर करके जो डिजिट आएगी उसके वंस प्लेस पर वी आर गोइंग टू गेट 1।
है या नहीं है. सो ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे और जब व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट देन यू विल फाइंड दिस टू बी वेरी कंफर्टेबल. नाउ लिस्ट ऑफ स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6. सो यहां पे आप देखें 6 का जहां पे आपके नंबर 4 या 6 है वंस प्लेस पे देयर व्हेन यू गेट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर यू आर गोइंग टू गेट 6 इन द एंड. सो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव 6 एट यूनिट प्लेस. हमने क्या देखा था जहां पे हमारा 4 या 6 हो. तो ये नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल. ये यस, ये यस, दिस इज पॉसिबल. यहां पे यस वी कैन गेट एंड हियर वी कैन गेट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट एट 6 एट यूनिट प्लेस. 24 स्क्वायर, क्योंकि हम 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4s are 16. 26, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6s are 36. द सेम हियर. क्लियर? वेरी वेरी क्लियर, गुड. नाउ एज आई टोल्ड यू कि 0 का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारा एक एजम्पशन का स्टाइल है. तो यहां पे आप देखें, सो द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स एंडिंग विद 0. तो ये देखिए 10, 20, 80. तो यहां पे एंड किससे हो रहा है? 0 से हो रहा है. तो जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ये 100, 400, 6400, तो आप देख रहे हैं एक 0 से डबल 0. 10 है डबल 0, 10 है डबल 0. नाउ लुक हियर, तो ये दीज वर नंबर्स इन टेंस. नाउ लुक एट नंबर्स विद हंड्रेड्स. तो यहां पे 20 आर देयर, यहां पे 40. 204. कैन यू सी दिस सीक्वेंस? सो इससे आपने क्या पता करा कि व्हेन वी आर डूइंग द डबल ऑफ या व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर या व्हेन वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर एंड इफ देयर इज अ 0 एट यूनिट स्पेस तो वी जस्ट गो विद द काउंटिंग. इफ इट इज अ सिंगल 0 तो स्क्वायर में देयर विल बी डबल 0. इफ दे आर 20 then in square there will be 4 zeros because we double it. तो अगर आप सोच लें, अगर हम 300 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, सॉरी 3000 लेते हैं, 300 तो नहीं, वी टेक द 3000. नाउ आई वॉन्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ 0, 3000. सो व्हेन आई स्क्वायर इट हाउ मेनी zeros शुड आई पुट? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. क्योंकि इसका आई हैव टू डू द डबल. नाउ बस आप 3 3 का कितना होता है? 9. द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू. तो दैट्स व्हाई इफ यू हैव 0 एट यूनिट्स प्लेस इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर. तो अब आपको बताना है किसका ऑड नंबर होगा, किसका इवन नंबर होगा. तो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट थिंक अबाउट द वंस प्लेस. वंस प्लेस का यू डू द स्क्वायर एंड इमीडिएटली यू विल कम टू नो कौन सा ऑड होगा, कौन सा इवन. लाइक 7 7 का क्या होगा? 49, है ना? किसी बच्चे को क्लियर नहीं हो रहा तो इसको आप ऐसे देख ले, 727 को 727 से मल्टीप्लाई करेंगे देन ओनली स्क्वायर मिलेगा ना. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स दैट आर एट वंस प्लेस. तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपने दिमाग में बस इसका डबल चेक कर लेंगे. ठीक है, तो इसका स्क्वायर आप जैसे ही हमने चेक करा इमीडिएटली, क्योंकि अब जो नंबर आएगा सबसे पहले यही आएगा एंड दिस विल हेल्प अस टू डिसाइड वेदर द नंबर इज ऑड और इवन. तो लाइक आई एम गेटिंग ऑड नंबर है तो ये क्या आएगा, इट विल गिव ऑड. नाउ दिस इज 8, तो 8 8s are 64, 4 इज इवन, 9 9s are 81, 1 इज ऑड एंड 0 का ये हमारा इवन में काउंट हो जाएगा. सो कैन यू टेल हाउ मेनी 0 विल यू गेट व्हेन यू स्क्वायर दिस नंबर? डबल 0, क्योंकि देयर इज अ सिंगल 0. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? सो 60 का हाउ मेनी जीरोस? देयर विल बी 2 जीरोस, है ना? 400 में हाउ मेनी जीरोस?
फोर जीरोस. कैन यू से दिस? कह सकते हैं ना? यस. सो देखिए, तो व्हेन एवर वी आर फाइंडिंग आउट द स्क्वायर, तो कभी अगर वी हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू, तब तो हमें इसका पूरा मल्टीप्लाई करना होगा. बट इनिशियली वी जस्ट टू वॉन्ट टू फाइंड आउट कि वेदर द नंबर डेट वी आर गेटिंग इज इवन और ऑड, तो हम लोग क्या करते हैं, बस वंस प्लेस के उससे वी टेक द आइडिया एंड देन दिस विल हेल्प अस टू सेव अवर टाइम एंड टू डू अवर थिंग्स वेरी फास्ट. है या नहीं है? है ना? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न अबाउट द मोर इजियर मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर्स एंड देन वी हैव ऑल्सो लर्न्ड बाय लुकिंग एट द नंबर वी कैन इजिली टेल वेदर द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज देयर और नॉट. है या नहीं है? कि वहां पर जैसे हमारा जो हमारे नंबर्स में हमें क्या मिल रहा है, इधर 0, 1 देन 4, 6, 5, 9, तो अगर हमें ऐसे नंबर्स मिल रहे हैं तो हमें पता चल जाता है ये किसी नंबर का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है. है या नहीं है? सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव लर्न टुडे. इन द नेक्स्ट सेशन देयर आर मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, बट दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन हैव अ नाइस रिविजन ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव लर्न टुडे. बाय.